अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम बदरुद्दीन। मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी भरी ठंडी की स्पेशल खिचड़ी। चलिए अब हम बनाना चालू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर हमारा रखेंगे, वो गर्म हो गया है। अब उसमें हम एक कप से थोड़ा सा कम तेल डाल देंगे। हम उसमें तेल डाल के और फिर तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो पूरा खड़ा मसाला जितना रहता है थोड़ा थोड़ा सब अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। खिचड़ी है तो खिचड़ी में ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा सब मसाला ले लीजिएगा। अब तेल में उसको डाल के हम चटकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मसाला थोड़ा चटक जाएगा तो उसमें हम आलू डाल देंगे तेल में। और तेल में आलू को अच्छी तरह हमें थोड़ा सा भून लेना है एक मिनट तक। और भून जाएगा हमारा आलू एक मिनट तक तो हम उसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज और आलू को एक साथ इसमें भूनना है और दोनों अच्छी तरह एक 5 मिनट तक भून लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे, आलू और प्याज का। आलू और प्याज को अच्छी तरह हमें 1-2 मिनट तक के भून लेना है। देखो ये अच्छी तरह भून लेना है। भूनेंगे हम तो हमारा प्याज भी लाल हो जाएगा और आलू भी अच्छा हमारा गल जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह इसे हम भून लेंगे। नमक हल्दी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा ये गाजर है, मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, इसे भी हम डाल देंगे। गाजर को भी, गाजर और आलू ये सब चला चला के अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए अच्छी तरह भून के हो रहा है हमारा आलू और गाजर प्याज। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा, जितना आपको तीखा और लगेगा। मैं हमारे घर में तो अच्छा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची को हम 1 से 1.5 चम्मच तक हरी मिर्ची उसमें डाल देंगे खिचड़ी में। अब उसे भी अच्छी तरह चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए आप। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू और मसाला हमारा सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। टमाटर भी डाल देना है, 1 टमाटर कटिंग करके मैंने डाल दिया है। अब पालक है, पालक को भी हमें धो के डालना है। अभी हम पालक आखिरी में डालेंगे, उसे भी हम कटिंग करके रख लेते हैं साइड में। और आलू को और सब मसाले को हम ढाक के रख दें ताकि अच्छी तरह हो जाए। उसमें देखिए हम गरम मसाला डालें 1 चम्मच और मटर थोड़ा सा डाल दिए हैं। डाल के अब ढक के हम उसे 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारा आलू नहीं गलेगा जब तक हम पकाएंगे। अभी हमारा आलू गल के हो गया है, अब उसमें हम चावल डालेंगे। चावल डाल के 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे उसको मसाले और उस आलू मटर के साथ। देखिए अच्छी तरह हमारा चावल भी भून के हो रहा है, उसी में भून के पक गया। अब हम हरी खिचड़ी है तो उसमें हरा धनिया ढेर सारा दिल खोल के पीस लेना मिक्सर में, अच्छे से डाल देना उसे भी। हरा धनिया ज़्यादा से ज़्यादा डालना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी में। अभी हमारा हरा धनिया भी हम डाल दिए हैं और पानी हम 2 गिलास तक पानी डाल देना है क्योंकि ये गिल्ली खिचड़ी अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से, आपका चावल कैसा नया पुराना है वो हिसाब से आप पानी डालिएगा। मैं 2 गिलास तक पानी डाली हूँ। अब इसमें हम पालक को भी डाल देंगे। पालक को अच्छी तरह कटिंग करके धो लेना पालक को। अब इसको भी डाल देंगे हम, पालक को भी डाल के अब अच्छी तरह सब मिक्स कर लेना है। और नमक आप चख लेना, ये टाइम पे आप नमक चख लेना कि हमारा नमक हल्का है कि क्या है। अगर कम होगा आपका नमक तो वापस और डाल दीजिए। मेरा नमक कम था तो मैं और डाल दी, वो आप चख के अपना हिसाब से नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देना। चावल में थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है। कोथमीर भी कट करके थोड़ा सा इसमें डाल देना। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे 10 मिनट के लिए, बस हमारा चावल हो गया। देखिए हमारा चावल इतना अच्छा, कुकर का ढक्कन खोली हूँ, देखो कितना अच्छा खिला खिला हुआ है। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। खिचड़ी एकदम गीली गीली बहुत अच्छी खिचड़ी हुई है ये। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है।
आया ना मुंह में पानी, बताइए कितनी अच्छी लग रही। आप भी अपने घर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। देखिए उसके ऐसे सजा दीजिए आप अपने घर भी। देखिए अब उसके साथ मैंने सलाद भी बनाया है, आप भी ऐसी सलाद बनाइए। ये मिर्ची फ्राई हुई है, इसकी वीडियो मैंने दे दी है, आप भी अपने पास बनाइए अपने घर। इसकी वीडियो है, अभी मैं बड़ी वीडियो डालूंगी। और देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी है, आप बाहर ढाबे पे जाके खाने से अच्छा अपने घर बनाइए सफाई से और खाइए खिचड़ी। इसके साथ पापड़ है, सलाद है और मिर्ची है, बहुत अच्छी लग रही थी खिचड़ी। खा के देखिएगा फिर बताइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करिए, दुआ कीजिए, मुझे दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।